हेलो मित्रों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता का, तो नागरिकता संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को मैंने चर्चा कर दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नागरिकता के संदर्भ में जो मेरा अगला वीडियो होगा वो यह होगा कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं और व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, पहला पॉइंट। दूसरा, नागरिकता के संदर्भ में मैंने आपको ये कहा था कि NRI और PIO और OCI, ये दोनों में तीनों में क्या अंतर है। जी हाँ, इस पर बहुत संक्षेप में हम चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए मित्र, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं बाकी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नागरिक और व्यक्ति। तो मैंने आपसे पहले एक चीज़ बता दिया था कि सभी नागरिक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर। अब वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम देखें तो कुछ अनुच्छेद फंडामेंटल राइट में, जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार में कुछ अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो एक अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। तो ये 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांच ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं व्यक्ति को नहीं प्राप्त हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 84 और अनुच्छेद नंबर 191 भी है, ये भी है। और इसके अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद हैं, उस पद का जो हकदार होता है वो कौन होता है, भारत का नागरिक होता है न कि व्यक्ति होता है। क्लियर मित्र। अनुच्छेद नंबर 15, हालांकि ये फंडामेंटल राइट में आप पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी सुन लीजिए, अनुच्छेद नंबर 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को रोजगार में सारे तरीके के क्या प्रदान होंगे, अवसर प्रदान होंगे। और अनुच्छेद नंबर 19 को 6 उप क्लाजों में बांटा गया है, जैसे आप जानते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा रोजगार पाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद नंबर 19 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 29 में, अनुच्छेद नंबर 29 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है, किसको दिया गया है, भारत के नागरिक को दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 30 में क्या प्रदान किया गया, अनुच्छेद नंबर 30 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष छूट प्रदान की गई है उनके शिक्षा के संदर्भ में, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 84, अनुच्छेद नंबर 84 में इसमें संसद का जो सदस्य वो कौन बन सकता है, भारत का सदस्य, भारत का नागरिक। और जो अनुच्छेद नंबर 191, ये अनुच्छेद नंबर 191 क्या कहता है, जो संसद का सदस्य विधानमंडल का सदस्य बनेगा वो कौन बनेगा, भारत का नागरिक बनेगा। क्लियर। तो ये वो अनुच्छेद हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं व्यक्ति को नहीं प्राप्त हैं। क्लियर। विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पद, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, किसी मंत्री का पद हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद हो, वो कौन बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है FD, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो आपको मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं वो भारत के व्यक्तियों के लिए नहीं है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो भारत के नागरिकों के लिए है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और आप ये जान लीजिए कि भारत के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है। जी हाँ, भारत के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है और चुनाव
में लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए कि नागरिक और व्यक्ति के बीच अंतर कहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भारत के नागरिक को राष्ट्र के द्वारा या देश के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं उठा पाता है। तो मैं समझता हूं कि नागरिक और व्यक्ति में आप अंतर समझ गए होंगे। क्लियर? अब देखिए मित्र, मैंने आपको एक चीज बताया कि आप अक्सर सुनते हो NRI। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं। अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं, आपने देखा होगा प्रवासी भारतीय, जिसको प्रवासी भारतीय, ये क्या होते हैं, और भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति PIO OCI समुद्र पारीय व्यक्ति। अब ये क्या होते हैं, नागरिकता के संदर्भ में इनके संदर्भ में बातें कही जाती हैं। ये भी सब भारत के नागरिक हो सकते हैं और ये तो हैं। तो क्या होते हैं NRI या प्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के विदेशी और समुद्र पारीय व्यक्ति? ये तीनों प्रकार के लोग हमारे भारत में रहते हैं। भारत के नागरिक तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इन तीनों का मतलब क्या है, यानी हमारे अलावा ये तीन और पर्सन हैं जो विदेश से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका संबंध भारत के नागरिक से तुलनात्मक किस रूप में देखा जाता है, आइए वो देखते हैं। क्लियर? पहला चीज, आप एक चीज जान लीजिए, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया था और इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, आप ये बताइएगा, और किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, और कब से हर दो साल पर प्रवासी दिवस मनाए जाने की बात की गई, तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। आते हैं मित्र, प्रवासी भारतीय को आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि भारत का वह नागरिक जो भारत के पासपोर्ट के आधार पर 182 दिन या इससे अधिक बाहर यानी कि विदेश में रहता हो तो इसे NRI कहते हैं, प्रवासी भारतीय। भारतीय मूल के विदेशी का मतलब क्या होगा? भारतीय मूल के विदेशी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको PI कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका उद्भव भारत में हो परंतु नागरिक विदेशी हो। इस प्रकार के हम कहते हैं भारतीय मूल के विदेशी, यानी कि PIO। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका उद्भव भारत में हो परंतु नागरिक कैसा हो, विदेशी हो। और समुद्र पारी व्यक्ति का मतलब OCI, ऐसा व्यक्ति
जो विदेशी हो, विदेशी हो, इसे समुद्र पारीय व्यक्ति के नाम से कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेगा, इसमें अंतर पूछा जाता है, इसमें अंतर पूछा जाता है। और एक तरफ आप नागरिक हो, तो अब इसमें यह पूछा जाता है कि आखिर में इसमें तीनों प्रकार के नागरिकता में नागरिकता के करीब सबसे ज्यादा कौन है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो भारत में रहने वाले नागरिक को सभी अधिकार प्रदान होते हैं, वही अधिकार NRI को प्राप्त होता है। यानी कि इस बाहर ये जाता है, इसकी नागरिकता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती है। ये भारत में मतदान भी कर सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है और किसी संवैधानिक पद को प्राप्त भी कर सकता है। NRI क्लियर? लेकिन जाता क्यों? क्योंकि उसका वहां पे अपना बिजनेस है, व्यापार है, धंधा पानी चलता रहता है, वहां पर रोजगार के उसके वहां पे अवसर है। लेकिन उसने भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है, या तो आप कह सकते हैं वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं किया है, तो इसे हम NRI कहते हैं। ये बात अलग है कि वो भारत में बहुत कम समय के लिए रहता था, लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, वो पासपोर्ट के आधार पर हमेशा आता जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, क्लियर? अब इसको इस तरीके से समझिए, इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता संबंधी किसी भी तरीके से अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है कि जो समुद्र पारी है, जो भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं, अगर इन दोनों में से कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक बनने की प्रक्रिया जो होती है भारत में नागरिकता की, वो समुद्र पारी व्यक्ति की अपेक्षा क्या होती है? सरल होती है। ध्यान में सुनिए, लेकिन एक शब्द आता है OCI, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जब OCI की हम बात करते हैं, इसको भारत में OCI की श्रेणी में रखा जाता है, OCI की श्रेणी में रखा जाता है, तो उसके लिए कुछ एक अलग उपबंध किया गया है, ठीक है? तो इनके जो समुद्र पारी है, इनके लिए इनके अपेक्षा अधिक पावर दी गई। नागरिकता ग्रहण करने के संदर्भ में ये बात अलग है, लेकिन OCI का PIU की अपेक्षा ज्यादा सुविधा प्रदान की जाती है भारत के द्वारा। जैसे अगर कोई OCI वाला व्यक्ति हो जाता है, समुद्र पारी व्यक्ति OCI की श्रेणी में आ जाता है, तो इसके लिए क्या क्या बातें कही गई हैं? इसके लिए ये बातें कही गई हैं, और ऐसे व्यक्ति को नागरिकता भी प्रदान कर दिया जाता है सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय मूल के ये आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही अंग रहा है, तो भारत देश का इनसे संबंध बहुत क्लोजली है, तो बहुत मैक्सिमम लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है, इसीलिए इन दोनों देशों के अलावा छोड़कर अन्य देशों के संदर्भ में OCI की बात की जाती है, या नागरिकता ग्रहण करने के संदर्भ में बात की जाती है, खासतौर OCI के संदर्भ में देखते हैं। तो OCI के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो OCI को यह कहा जाता है कि अगर OCI कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है या उसका दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो इसको आजीवन वीजा मिल जाता है, भारत का आजीवन वीजा मिल जाता है, यानी कि वो जब चाहे तो यहां पर अपना रहकर व्यापार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको भी मतदान या देने का अधिकार नहीं होता है, ना तो चुनाव में लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन हाँ व्यापार करने में काफ़ी छूट दी जाती है, काफ़ी छूट दी जाती है। जो विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं, जो उनके ऊपर टैक्स लगता है, जो शुल्क लगता है, उसके अपेक्षा OCI को बहुत ही कम लगता है, या तो जो भारत में NRI को लगता है या जो भारत के नागरिक को जितना लगता है उतना OCI व्यक्ति को लगता है। ये ध्यान रखिएगा। और इनका वीजा जो भारतीय मूल के होते हैं,
इनका वीजा बहुत सीमित समय के लिए ही होता है और इनका वीजा आजीवन के लिए हो सकता है। एनआरआई को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। समुद्र पारीय व्यक्ति ओसीआई को मैक्सिमम अधिकार वो प्राप्त होते हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा जो लेक्चर है वो स्पेशली वीडियो टेट और पेट जैसे विद्यार्थियों के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता हूँ कि मेंस की तरह इसको पढ़ाऊँ। नागरिकता का संबंध हम भारत के जीडीपी से जोड़ें, इकोनॉमिक से जोड़ें, भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से जोड़ें, भारत में बेरोजगारी को दूर करने से जोड़ें, तो ये सब मेंस का विषय, ये सब वहाँ पर इतने डिटेल से यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर वन लाइनर के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा होगी। टेट और पेट को ध्यान में रखकर, एसएससी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ, ये भी है कि अगर जो सिविल के प्री की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे उनके लिए। तो मित्र, नेक्स्ट टाइम हम संविधान के अगले भाग यानी कि फंडामेंटल राइट से शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से संविधान के दो भाग समाप्त हो गए। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं।